हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स आरुजा। मेरा नाम है गजाला। अभी मैं दोबारा ऑफिस के लिए तैयार हो गई एक अगेन हेक्टिक रूटीन के लिए। सो मैंने आप लोग कहा भी है यार, कोई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सेटिंग को कोई व्यूज शूज दो, डॉलर आए, जॉब छोड़ू मैं, तंग हूँ। ऐसा कोई कैमरे की सेटिंग को मसला है ना कि मुझे गूगल से भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा यार, मैं क्या करूँ। मतलब फ़ोन ले लिया, गुर्दे शुर्दे बेच के, अब इसको चलाना नहीं आ रहा। ज़िंदगी में और गम थोड़े थे, ये गम भी लग गई कसम से। मतलब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, मुझे जीने का हक नहीं है। अभी देखें बैक साइड पे, चलो ठीक है मुझ पर फोकस करें, ये अच्छी बात। लेकिन जब मैं फ्रंट बैक कैमरा ऑन करती हूँ ना, तो मैं ही फोकस नहीं होती, पीछे सब फोकस होता है। सो जिसके पास इसका सोल्यूशन है वो मुझे काइंडली बता दे। इतनी यहाँ पर ज़्यादा अच्छी लाइट पड़ रही थी, मैंने यूँ क्यों किया हुआ था। खैर, जिसके पास इसका सलूशन है या किसी अच्छी वीडियो का लिंक है, तो अगर लिंक कमेंट में शेयर हो सकता है मेरे साथ, कैंडली वो कर दो यार, थक गई हूँ मैं ज़िंदगी से। ये लेके बैठी हुई हूँ एक, ये दूसरा मोबाइल का है, ये मैंने अपनी पहली कमाई से लिया था मोबाइल। सो ये वाला, इसको मैंने अब रखा हुआ है ऑफिशियल यूज़ के लिए। और इसकी कैमरा सेटिंग मुझे सारी आती है, बट इससे मैं व्लॉग नहीं करती। ये एंड्रॉइड है, दूसरा आईफोन है, शेयर भी नहीं हो सकती चीज़ें, इतना मुसीबत है ना। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है और यहाँ से मैं गाड़ी वालों का वेट कर रही हूँ कि गाड़ी आए और मुझे ले जाए। अब देखना बैग से, अब मैं फोकस नहीं होऊंगी, नहीं होना मैं फोकस, यही तो मसला चल रहा है। नहीं थी फोकस यार, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, किस चीज़ का डैश रोना हो रहा है यार। लेकिन फिर भी अगर किसी को आईफोन की कैमरे की सेटिंग अच्छी तरह करनी आती है, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, या फिर अगर कोई अपना गुर्दा दे सकता है तो मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लेती हूँ, क्योंकि इस पे तो मुझे समझ नहीं आ रही। या एक अदद गुर्दा दे दो, या एक अदद कमेंट कर दो नीचे, इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या करना है। गाइस, आप लोग को वो छोटी सी एक वाइट सी गाड़ी नज़र आ रही है, वो आ रही है, उसमें जा रही हूँ आजकल, ये छोटू सी। सो आगे, ओ शिट, वो तो कहीं और मुड़ गई, सॉरी। लेकिन है वाइट कलर की, उधर से ही आएगी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ये मौसम देखो यार, तब तक कितना प्यारा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं व्लॉग करती हूँ और करते करते मैं भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉग कर रही थी। सो अभी मुझे याद है कि मैं तो कल व्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन कल ऑफिस गई, फिर घर आई, सो गई, अभी मुझे याद आ रहा है कि ओ शिट, मेरा व्लॉग तो रहता है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोग को ना लास्ट से व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे एक अलमारी है जिसमें तोड़वा रही हूँ और मुझे यहाँ पे बुध आ जाइए, ठीक है। तो अलमारी तो तोड़वा दी है, अब इशू ये है कि इसके पीछे जो दीवार निकली है वो दीवार सीधी नहीं है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो यहाँ पे एक मेरी मामा ने, क्या उनको कहते हैं, देसी मॉम्स जो बर्तनों के लिए नहीं बनवाती, वो बनवाया हुआ था जब हमारा घर बन रहा था, तो वो हम में से किसी को पसंद नहीं आता था, हम लोगों ने उसको हटा दिया। मैं आपके साथ पिक्चर यहाँ पे लगा दूँगी, तब क्या आपको आइडिया हो, अगर आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे कि यहाँ पे क्या चीज़ थी। अब जब से वो अलमारी हटी है तो हमें पता चला है कि ये जो चीज़ें हैं ये स्ट्रेट ही नहीं हैं। अब आप देख सकते हो ये बहुत आगे बढ़ा हुआ है, एंड देन यूं करके स्लोप है और फिर ये है। इसी तरह ये सारी दीवार जो है यहाँ तक टेढ़ी है, क्योंकि ये अलमारी के पीछे आ रही थी तो उन लोगों ने इसको सीधा नहीं किया, इससे ऊपर सारी दीवार सीधी। अब हम यहाँ पे वॉल पेपर लगाएं या कुछ भी लगाएं तो वो सीधा नहीं लगेगा, क्योंकि दीवार में बहुत फ़र्क है। रुको ये भी खा लूँ मैं। अब जो मेरे नज़र में एक मैंने जो कॉन्सेप्ट ने बनाया हुआ था, एक वो था कि बुधा बनाना है, ठीक है। तो उसकी पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और 3-4 और आइडियाज़ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने कमेंट करके बताने के सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लग रहा है, और उसके बाद आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना है, ताकि मैं उसके लिए पैसे भी तो जोड़ पाऊँ ना यार, कंगली हो गई हूँ। एक कुर्ता बेच के अपना मोबाइल लिया, तो अब क्या दूसरा कुर्ता बेचूँ, अपना तो बेच नहीं सकती, किसी और का ही बेचना पड़ेगा, सो वो इलीगल है। तो या अगर आप में से कोई मुझे कुर्ता देने के लिए तैयार है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मुझसे, अदरवाइज लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मुझे कुछ पैसे हैं और मैं इसको डेकोरेट करूँ जैसे मैं चाहती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे चाहती हूँ, ठीक है। फोटोशॉप करते हैं, शूट तो नहीं होगा। सो यहाँ से एंट्रेंस है, जैसे ही आप एंटर होंगे ना ये चीज़ आपको नज़र आएगी, और फिर आप जब साइड पर होते हैं तो आपको ये ऐसे नज़र आता है। सो अभी मैं आपके साथ 4-5 आइडियाज़ शेयर करती हूँ।
यार टू बी ऑनेस्ट हर भी कहता है आईफोन का कैमरा, आईफोन का कैमरा। मैंने भी इसलिए ले लिया गुर्दे शुर्दे बेच के, लेकिन अब मुझे इसकी सेटिंग करनी नहीं आ रही। कैमरा बहुत अच्छा है बट इसके फ्रंट कैमरा से मुझे सेटिंग करनी नहीं आ रही। बैक कैमरा से मैं खुद पूरी नहीं आ रही थी, वो मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा क्योंकि बैक कैमरा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। सो उसमें मैं वीडियो शूट करती हूँ बट उसमें जब मैं अपनी वीडियो बना रही होती हूँ सेल्फी वीडियो, तो उसमें मैं कभी पूरी नहीं आ रही होती। सो मुझे बताएं कि मैं इसको रीसेट कैसे करूँ, और अगर मैं आईफोन को रीसेट करती हूँ या रीस्टोर करती हूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा। अभी मैं नीचे जा रही हूँ, मेरी गाड़ी आने वाली है, और तब तक हम थोड़े फल से खा लेते हैं क्योंकि मामा तो ऑलरेडी खा रही हैं। मैं घर आ गई हूँ। आज मैं पूरा दिन वही पिक्चर सारी जो है वो एडिट करती रही थी, तो अभी हम लाइव रिएक्शन देखते हैं जिया का, जिया को कौन सी पिक्चर अच्छी लगती है, और आप लोग को जो अच्छी लगी आप लोगों ने सबने कॉमेंट करना है। खोल पिक्चर नंबर वन, मैं आप लोग को यहाँ पर शो कराती जाऊँगी। एक पल ये देख, ब्राइटनेस पूरी करना, इतना बड़ा स्टैचू का सिलाई तेरा गुर्दा बेच के अच्छा लग रहा है क्या? नहीं कुछ बोल तो सही, इसको ऊँचा। हाँ प्यारा लग रहा है ये, ये भी प्यारा, ये भी प्यारा है, देखने देना सारे फिर पता लगेगा। ये सारे प्यारा लग रहा है। ओ ये भी बहुत प्यारा, ये भी अच्छा। ऊँचा बोलो, तो आवाज़ भी जानी चाहिए। ये वाला दो प्यारे हैं, मुझे लगे हैं कि ये और एक अहमद कह रहा था ये वाला बनवाएंगे। ये लेकिन इस तरह का बनाता ना कोई, क्योंकि यहाँ ये वाली थी मैं वहाँ पे गोल्डन गोल्डन था, तो इस पे ये ब्राउन, ये ब्लू वाला है ना ये, अब ये बनवानी पड़ेगी। औरत इतनी बड़ी, और यहाँ पे शीशा होगा, मुझे प्लास्टिक चढ़ा के। सो गाइस डियर ने बहुत फजूल सा दिया है रिएक्शन, बहुत फजूल रिएक्शन दिया है, लेकिन आप लोग को कौन सी अच्छी लगी आप लोग जल्दी से कमेंट करो। अमीन मम्मा आपने देखी है सारी है? हाँ जो भैया को भेजी थी वो सारी भैया ने दिखाई हैं। इन लोगों को ना कोई चीज़ पहले भेजनी ही नहीं चाहिए। खैर आप लोग बताएं, फिर आप लोग लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मुझे पैसे आए और फिर मैं बनाऊँ, अगर आप लोग चाहते हो कि जिया का गुर्दा बिक जाए, बच जाए, अदरवाइज तो बिक जाएगा।